हेलो एवरीवन वेलकम टू राजस्थान अड्डा मैं सोनिया चहल मैं आपका स्वागत करती हूँ भाई आपके अपने प्लेटफॉर्म पर राजस्थान अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर तो हमारे एमसीक्यूज हम फटाफट फटाफट लगा लेते हैं विदाउट वेस्टिंग सम टाइम क्विक क्विक ओके ठीक है ये वाला रंग लेते हैं इट्स समथिंग गुड ओके हरिओम भाई हरिओम गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो हाय सुनीता गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप सेशन को लाइक कर देंगे सबके सब सबके सब, सब, सब सेशन को फटाफट से ऐसे फटा लाइक कर देंगे लाइक और साथ में मुझे चैट बॉक्स में आप सभी थम्स अप भेजेंगे चैट बॉक्स में थम्स अप भेजेंगे कि मैम हमने कर दिया है आपका सेशन लाइक सो देट आप अपना क्वेश्चन जो है शुरू कर सकते हो ठीक है ओके okay. तो पहला प्रश्न आज का हमारा क्या है पहला प्रश्न है कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस यानी कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा क्या पैदा करते हैं आप तब आवेश आपके चलते हैं तो उस समय पर क्या पैदा होता है पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दूसरा आपका ऑप्शन है साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगे तीसरा आपका ऑप्शन है हीट वेव यानी कि गर्मी की लहरें या फिर आपका सी ये उल्टा हो गया थोड़ा बट मैनेज प्रकाश की किरणें तो फटाफट मुझे बताएं कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा फटाफट मुझे बताएं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताओ मुझे ओके वेरी गुड भाई जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज चलते हैं ना वो मूव करते हैं वो आपका चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हेलो जीतू हेलो ओके वेरी गुड सोनम वेरी गुड सृष्टि अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज यूज इन द सोलर पैनल यानी आपके सोलर पैनल के अंदर कौन सा पदार्थ इसमें से इस्तेमाल किया जाता है पहला आपका ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर तीसरा आपका नाइक्रो नाइक्रोन नाइक्रोन ट्रोल फिर आपका प्लेटिनम तो जल्दी बताओ आपका कौन सा यूज किया जाता है सोलर पैनल में हेलो कार्तिक हेलो हाय हेलो हाव यू ओल हावे यू ऑल, हाव यू ऑल ओके okay. तो भाई आपका इसका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा ए सिलिकॉन में सिलीकौन एक ऐसा आपका है, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपकी अवशोषित कर लेता है तो आपकी ज्यादा ऊर्जा अवशोषित होगी तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा तो इसी वजह से आपका सिलिकॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके okay? okay very good sonam very good agla uh क्वेश्चन क्या है आपका कि रेड इज़ सिग्नल बिकॉज़ आपका लाल रंग जो है आपातकालीन के एक आकर्षक या फिर लॉन्गेस्ट यानी इसकी तरंग धैर्य सबसे लंबी है या फिर लो वेव सबसे कम तरंग धैर्य होती है या फिर इट हैज वेरी हाई एनर्जी की इसकी ऊर्जा सबसे

ओके okay. अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड यानी कि आपकी एसआई SI यूनिट जो है इनमें से कौन सी सही नहीं है पहला है वर्क वर्क की दी गई है जूल फिर है फोर्स फोर्स की न्यूटन फिर है मास मास की किलोग्राम फिर है आपकी प्रेशर प्रेशर की डायन यानी कि कार्य की जूल दाब की न्यूटन मास की यानी कि आपके आयतन <coughs> आपके किलोग्राम हो 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 जाएगी जाएगी और की 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 तो तो जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या जाएगा देखो अगर बात आपकी भी न्यूटन होती है ये सही है अगर मास की बात करूं तो मास की आपकी किलोग्राम होती है परंतु दाब की आपकी होती है पास्कल होती है क्या होती है आपकी पास्कल होती है तो इसका आंसर यहाँ पे पास्कल होगा ना कि डाइन होगा तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा ये वाला आंसर आपका जो है सही हो जाएगा डी विल बी योर करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर यानी आपके वायुमंडल में ओजोन लेयर को मापने का कौन सा यहाँ पे ऐसा यूनिट आपकी यूज होती कौन सी यूनिट आपकी इस्तेमाल होती है भाई पहला आपका ऑप्शन है पहला आपका ऑप्शन है नॉट यानी कि गार्ड फिर है आपकी डॉब्सन फिर आपकी पॉइस फिर आपकी मैक्सवेल तो जल्दी से मुझे बता देंगे कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बता देंगे और सेशन को लाइक भी साथ के साथ कर देंगे आप सभी सुनीता कह रही है डी बेटा आपके डी नहीं होता आपका डॉपसन हो जाएगा यहाँ पे आपका बी आंसर जो है सही हो जाएगा बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा वेरी गुड टी शर्मा वेरी गुड वेरी गुड अगला प्रश्न है कि द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब बाई यूज ऑफ वॉट यानी आपके दूध के घंतव का इस्तेमाल किसके प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है पहला है हाइड्रोमीटर फिर आपका ब्यूट्रोमीटर फिर आपका इलेक्ट्रोमीटर फिर आपका थर्मोमीटर इंग्लिश हिंदी सेम रहेगा जल्दी से मुझे बताओ अगर मैं आपके हाइड्रोमीटर की बात करूं हाइड्रोमीटर की मैं बात करूं तो हाइड्रोमीटर से आप क्या पता कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप पता कर सकते हैं वहीं से की मैं बात करूं आपके दूध के अंदर कितनी कितनी फैट है है वो वसा कितनी है। उस वसा उस की मात्रा को आप ब्यूट्रोमीटर से पता कर सकते हैं अगर बात करूं लैक्टोमीटर से तो लैक्टोमीटर से आप दूध की डेंसिटी पता कर सकते हैं और थर्मोमीटर का तो आपको पता ही होगा तापमान मापने के लिए आपका इस्तेमाल होता है तो आपका सी उत्तर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे ठीक है अगला प्रश्न है आपका कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज विद्युत का सुचालक कौन सा है पहला है ड्राई एयर कि हवा बी है पेपर यानि पेपर कि सी है है मिट्टी का तेल और डी ग्रेफाइट जल्दी से मुझे आंसर कर देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से मुझे आंसर चाहिए भैया जल्दी करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दोगे, सेशन को लाइक like कर दोगे और शेयर कर दोगे ठीक है डी ग्रेफाइट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जीत वेरी गुड वेरी गुड कार्तिक वेरी गुड एजुकेशन आर एस वेरी गुड सोनम नाइस ओके हाँ इसी तरह से आंसर करने हैं आप सभी को इसी तरह से सबको आंसर करने हैं ठीक है अगला प्रश्न है कि टंगस्टन इज यूज्ड एज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज़ यानी कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट का निर्माण होता है टंगस्टन के फिलामेंट का इस्तेमाल होता है वो क्यों होता है भाई पहला है इट इज अ गुड कंडक्टर कि एक अच्छा सुचालक है या फिर इट इज इकोनॉमिकल यानी किफायती है या फिर इट इज मैलिएबल यानी कि आपका लचीलापन है बहुत जल्दी आपका मेल्ट हो जाना है या फिर इट अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो मुझे जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा हेलो ज्योति यादव हाईयू यू, यू? जीत सैनी आपके देखो बात ऐसी है कई बार आपको सरप्राइज मिल जाता है है ना कई बार धोखा हो जाता है धोखा जैसे कि आपने बहुत ज्यादा साइंस पढ़ लिया आपने सोचा पच्चीस नंबर किया जाएगी बट आई कितनी चार नंबर की पांच नंबर की आपके अगर पिछले पेपरों में बात करूं आपकी कम से कम ग्यारह से पंद्रह नंबर की ग्यारह से पंद्रह के बीच की आई की इनकी शिफ्ट आपकी हुई थी तो काफी आ, हैवी वेटेज रही थी आपकी साइंस की बच्चे पढ़ के ही नहीं गए बच्चों को लगा साइंस आएगी ही नहीं और वहां पर साइंस आ गई है ना तो आपकी अच्छी खासी वेटेज हो जाती है और इतनी कोई बड़ी माया नहीं आती इसमें बहुत 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 हल्की फुल्की साइंस आती है जो मैं करा रही हूँ उस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं डेली इससे बाहर नहीं जाएगा ओके एक का बी नहीं एक का बी नहीं होगा इकोनॉमिकल की बात नहीं होती देखो टंगस्टन जो होता है ना आपका टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा हाई होता है एक बात बताओ आपकी फिलामेंट से रंग कैसा आता है वाइट अगर मैं उसको हीट करूं कभी देखा है आपने हीटर के तार को देखा है लाल हो जाता है लाल हो जाता है और कभी कभी वो आपकी मेल्ट भी हो जाता है टूट भी जाते क्यों क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता है ठीक है वहीं पे आपके फिलामेंट जो है टंगस्टन का इसलिए बना हुआ था क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा जो ऊर्जा से व्हाइट लाइट निकलेगी ना कि रेड निकलेगी और व्हाइट निकलने की वजह से वो मेल्ट भी नहीं होगा आपका तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा डी विल बी योर करेक्ट आंसर डी विल बी योर करेक्ट आंसर डी विल बी योर करेक्ट आंसर वेरी गुड रोशन वेरी गुड ओके okay, अगला प्रश्न है फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट इज डन बाय सम डैश ट्री एल्गी बैक्टीरिया फंजाई यानी कि कुछ कुछ जीवों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग करके प्रकाश संलेषण किया जाता है पहला है ट्री एल्गी बैक्टीरिया यानी कि पेड़ शवास जीवाणु और आपकी कवक अब आप सोचो कि यह कौन सा भाग है अदृश्य वाला भाग तो भाई आपको ये पता है कि आपकी <clears throat> क्या होती है क्या होती लाइट्स होती है सुना है यूवी आई आर इंफ्रा वगैरह इन सब के बारे में सुना है स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा आपकी कौन सी ज्यादा होती है कौन सी कम होती है सतारा से महाराष्ट्र वाले से प्रणाम नमस्कार भाई नमस्कार हाँ तो आपने इसके बारे में सुना होगा स्पेक्ट्रम के बारे में तो आपकी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है सबसे कम वेवलेंथ आपकी इंफ्रारेड की होती है सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है आपकी इंफ्रारेड लाइट की होती है अगर मैं बात करूं आपके पहले और दूसरे ऑप्शन की ट्री की और एलगी की ये क्या करते हैं आपकी चार से चार से आठ परंतु बैक्टीरिया जो है इससे भी कम लाइट का इस्तेमाल करता है दो सौ तीन तक आपका यूज नहीं कर पा रहे परंतु आपका बैक्टीरिया एक प्रकार से आदृश्य लाइट का इस्तेमाल कर रहा है जो कोई भी नहीं कर रहा है तो आपका यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कौन से वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है नहीं शैवाल नहीं होगी आपको बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा ना कुछ बैक्टीरिया होती जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन नाइट फिक्सेशन बैक्टीरिया जिसको आप कहते हो बेटा हाँ, अगला प्रश्न है कि रेड लाइट सिग्नल इज यूज डेंजर सिग्नल बिकॉज अब देखो बात ऐसे ये प्रश्न दोबारा आपका आया है क्योंकि पेपर में दो बार आपका आ चुका है दोनों प्रश्न आपके आपके पेपर में आए हुए हैं परंतु बार ऑप्शन जो है अलग है अलग ऑप्शन जो है अलग है ध्यान देना ठीक है पहला है रेड लाइट इज स्कैटर्ड लिस्ट यानी लाल रोशनी सबसे कम बिखरी हुई होती है इट इज कंफर्टेबल फॉर द आईज आंखों के लिए सुहानी होती है इट प्रोड्यूस लिस्ट केमिकल रिएक्शन यानी कम से कम रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया पैदा करती है लिस्ट अब्जोर्ब इन एयर हवा में कम अवशोषित होती है तो जल्दी बताओ मुझे इसका ऑप्शन क्या होगा देखो फैलने का यहां मतलब क्या होता मैंने आपको शुरू में ही कहा था तो आपका पहला प्रश्न आया था कि एक तो पहली बात रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती दूसरी बात स्कैटर नहीं होती स्कैटर का मतलब क्या मैंने रेड पेन से यहां पे, यहां पे लिख दिया सोनिया सोनिया आपको ये क्लियर दिख रहा है क्लियर दिख रहा होगा कि बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा होगा सोनिया लिखा हुआ है। क्यों दिख रहा है भाई क्योंकि ये कम फैल रही है आपकी क्या कर रही है कम फैल रही है आपकी ज्यादा नहीं फैल रही है ठीक है वहीं पे अगर मैं किसी और इस चीज का इस्तेमाल कर दूं जैसे कि आपका मैं कहूं मैंने इस पेन का इस्तेमाल कर दिया इसके कंपैरिजन में आप मुझे बता सकते हो आपके किस पेन को आप अच्छे से देख पा रहे हो आप सीधी सी बात सोनिया को देख पा रहे हो क्यों क्योंकि कम फैलती है आपको दिखाई देती है कि क्या चीज आपकी एक्चुअल में लिखी हुई है तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ठीक है हाँ वेरी गुड जीतू अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सीन इन मिडिल ऑफ द रेनबो यानी इंद्रधनुष के बीच में निम्न में से कौन सा रंग दिखाई देता है पहला है ब्लू नीला ग्रीन हरा रेड लाल येलो पीला अगर बात की जाए आपके इंद्र धनुष की तो आपको पहली बात यह पता होना चाहिए कि इंद्र धनुष आपका एक नहीं दो बनता है जैसे ही आपका ये इंद्र धनुष इधर बनता है ठीक इसके नीचे एक सेकेंडरी द्वितीय इंद्र धनुष भी आपका बन जाता है पहला इंद्र धनुष ये और दूसरा इंद्रधनुष इसके पीछे नीचे की तरफ आपका बना हुआ होता है तो आपके एक टाइम पे दो इंद्रधनुष बने हुए होते हैं पहली बात तो ये कोई बात नहीं जीत कोई बात नहीं ठीक है वहीं पे आपको यह पता है आपका यहां पे एक चीज पैटर्न फॉलो होती है जिसको आप कहते हो विब ग्योर यहां लिखती हु इस तरह से विब ग्योर तो इसके मध्य में इस रेनबो के मध्य में कौन सा रंग आएगा एक दो तीन चार पांच छह सात सात ये है तो मतलब तीन उस साइड तीन इस साइड आपके मध्य में पूछा है बीच में पूछा है तीन ये तीन ये बीच में आपका क्या है ग्रीन है इसीलिए आपको ये विभ्योर याद कर लेना है इसका आंसर ग्रीन हो जाएगा हरा हो जाएगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जीतू वेरी गुड इंडियन चैनल वेरी गुड दिनेश वेरी गुड हाँ अगला प्रश्न है कि आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ द वाटर फिशेस डाई बिकॉज़ मछलियां पानी से बाहर आते ही क्यों मर जाती है पहला है दे गेट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिल जाती है या फिर देयर बॉडी टेंपरेचर इंक्रीज कि उनके शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है या फिर दे कैन नॉट ब्रीथ यानी वो सांस नहीं ले पाती है या फिर दे कैन नॉट मूव इन वाटर यानी पानी में नहीं जा सकते हैं जल्दी मुझे बताओ आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बी सी नाहर सिंह ने सी आंसर कहा है देखो आपने कहानी तो सुनी होगी मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी क्यों इसलिए निकल जाएगी क्योंकि वो सांस किल से लेती है आपके गलफड़ों से सांस आपके किससे लेती है वो आपके गल फड़ो से लेती है और गल फड़ो से सांस लेने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ पानी में लेती है सिर्फ और सिर्फ पानी में काम आते हैं गल फड़े बाहर निकालोगे पानी से तो ये सांस ही नहीं ले पाएगी ब्रीथ ही नहीं कर पाएगी तो आपका सी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर है ओके अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इन बॉडी इज कॉल्ड यानी आपके शरीर में अनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाती है पहला है क्रोमोजोम दूसरा है डीएनए तीसरा है जीन चौथा है न्यूक्लियस यानी केंद्रक पहला क्रोमोजोम गुणसूत्र दूसरा डीएनए तीसरा जी चौथा केंद्रक जल्दी से मुझे बता देंगे जल्दी से आंसर मुझे बता देंगे आप सभी तो आपको एक चीज मैं बता देती हूँ कुछ बच्चे कंफ्यूज uh, हो जाते हैं तब आपका सेल होता है सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस के अंदर आप अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे हो कुछ भी नहीं देख पा रहे हो और तब आप कुछ सेल डिजन के टाइम देखते तो धागे धागे दिखते हैं वो धागे धागे आपके क्या होते हैं क्रोमेटिड होते हैं तब ये दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं वो आपका क्रोमोजोम हो जाता है तब ये क्रोमेटिड आपके जुड़ जाएंगे वो आपके क्रोमोजोम हो जाएंगे और क्रोमोजोम के ऊपर आपके क्या होते हैं

ओके, okay. <coughs> अगला प्रश्न है कि द नंबर ऑफ बोन इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 206, 300, 320, 180। जल्दी बता देंगे मुझे कितनी होती हैं आपकी हड्डियां व्यस्क मानव शरीर में सी, 320, 320 तो नहीं होगी भैया तीन सौ बीस तो नहीं होगी दो सौ छ 206, दो सौ विल बी ओर करेक्ट दो सौ छे विल बी ओर करेक्ट आंसर अगर आपसे बच्चे की पूछ ली जाती ये तो इन्होंने व्यस्क की पूछी है अगर आपसे बच्चे की पूछ ली जाती तो आप वहां पे कहते 306 तीन सौ अगर 306 वहां पे नहीं अगर 300 लिखा है तो आप उसको 300 करते परंतु आपके बच्चे की ध्यान रखना है बच्चे की कितनी और बड़े की कितनी ठीक है अगला प्रश्न आपका क्या है कि व्हेन अ पर्सन बिकम ऑल डअर हिज ब्लड प्रेशर जनरली डिक्रीज इंक्रीज रिमेन द सेम वेर वाइडली यानी तब कोई आदमी आपका वृद्ध होता है तो वहां पे आपका जो दाब होती है रक्तचाप जो होता है वो आपका क्या होता है घटता है आपका वृद्धि करता है वही रहता है या व्यापक रूप से भिन्न होता है तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ओके वेरी गुड वेरी गुड जीत वेरी गुड भाई आपका जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है वृद्धि करता जाता है क्या होता जाता है वृद्धि करता जाता है ठीक है तो आपका डी बी विल बी ओर करेक्ट आंसर नो 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 बी विल बी ओर करेक्ट आंसर बेटा बी बी विल बी ओर करेक्ट आंसर इंक्रीज होता है अगला प्रश्न है कि एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज कितना होता है साठ से सो एमएमएच लगाना यहाँ पे हर जगह और आपको पता है ये जी क्या होता है ये ये होता है ये जी जो पीछे लगाते हैं हर जगह हम इसका अर्थात होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्या होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी ठीक है ठीक है क्या हुआ भैया कार्तिक ऐसे थोड़ी होते है कभी तुम कहते हो तीन बजे सही है कभी कहते हो पांच बजे सही है राम राम टाक जी, राम राम भाई जी डिसाइड कर लो पहले कौन सा समय सही है आप लोगों के लिए डी वेरी गुड वेरी गुड 120 से 80 एम एम जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां पे आपका ओके वेरी गुड कार्तिक ओके डी विल बी योर करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है कि द स्टडी ऑफ इंडिया प्लांट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पहला है टैक्सोनॉमी एग्रोनॉमी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी यानी पौधों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं कृषि विज्ञान कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं आकृति विज्ञान कहते हैं जल्दी से मुझे बता देंगे इसका आंसर क्या कहते हैं भैया मोरफोलॉजी का मतलब बाहरी आकार की का अर्थात क्या होता है कि वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है और हमारी बात हुई है इंटरनल स्ट्रक्चर की तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपका एनाटॉमी को कहते हैं तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसे कि जीतू से जीत सैनी ने सही कहा है एनाटॉमी विल बी योर करेक्ट आंसर बी सी विल बी योर करेक्ट आंसर ओके मोरफोलजी बाहर को बोलते हैं मोरफोलजी बाहर को बोलते हैं आकारी की जिसको कहते हैं बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है हाँ नहीं हितेश मैंने एमएससी बॉटनी से नहीं की मैंने फोरेंसिक साइंस से की है आई हैव डन माय एमएससी बाय फोरेंसिक साइंस लाइक फोरेंसिक साइंस ओके, okay. अगला प्रश्न है कि the insulin is. क्या है पहला है पहला एक हार्मोन टूल है एक आपका फैटी एसिड है है या आपका है. एक आपका ग्लाइकोलिपिड एक प्रोटीन है यानी कि आपका हार्मोन टूलू है आपका फैटी एसिड आपका ग्लाइकोलिपिड एक आपका प्रोटीन है जल्दी से मुझे बता देंगे इसका आंसर क्या है जल्दी से मुझे बता देंगे इसका आंसर क्या है <laughs> नहीं कार्तिक नहीं मुझे इसका बता देंगे आप सभी तो देखो इंसुलिन जो आपका है एक हार्मोन होता है ये हार्मोन वैसे वाला नहीं है हार्मोन है ये हार्मोन है ये आपका आपका कौन सी सिक्रीट करता है इंसुलिन को पैनक्रियाज करती है पैनक्रियाज पैनक्रियाज के बारे में खास चीज बताती आपकी 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 जो जो पत्ती नुमा आपकी होती है। पत्ती नुमा जो आपकी होती है है कि होती होती उसके अंदर दो चीजें होती हैं देखो आपका डायजेस्टिव जूस होता है आपके कुछ बहुत सी चीजें जो आपका इंसुलिन हो गया इसको ही लगा लो आपके कुछ एंजाइम दूसरे हो गए उन दोनों को सिक्रीट करने के लिए अलग अलग ग्लैंड होते हैं अलग अलग ग्रंथिया होती है एंडो एक होती है एग्जो यानी एंडो वो होंगी जो आपके हॉर्मोन को रिलीज करेंगी एग्जो वो होंगे जो आपके एंजाइम को रिलीज करेंगे परंतु आपका इंसुलिन जो है एक ऐसी ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट किया जाता है जो कि कंपाउंड है एंडोबी एक्सोबी कैसे क्योंकि इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए ऐसे नाई सेल होती है और वहीं पे आपका लैंगर आइलेट्स होते हैं ठीक है लैंगर आइलेट्स होते हैं ठीक है यहाँ पे देखो हर जगह यहाँ पे ऐसे एन सेल्स होंगी ऐसे एन सेल्स होंगी ऐसे एन सेल्स क्या करेंगे आपके एंजाइम को सिक्रीट करेंगी आपके एंजाइम को सिक्रीट करेंगी और वहीं पे ये आपके लैंगरहेन आइलेट्स है ये आइलेट्स क्या करेंगे आपके दो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेंगे दो हॉर्मोन्स को करेंगे दो हॉर्मोन कौन से होंगे एक तो आपका होगा इंसुलिन और दूसरा होगा आपका ग्लूकागन ग्लूका गन आपका दूसरा हॉर्मोन हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए आपको को कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है ठीक है और आपके दो प्रकार के सेल होते हैं यहाँ पे एक अल्फा होता है एक बीटा होता है आपका जो अल्फा होता है वो अल्फा आपका किसके लिए होता है ग्लूकागन के लिए होता है और वहीं पे बीटा होता है वो आपका इंसुलिन को सिक्रीट करता है है ठीक आगे चलते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है कि द मैक्सिम लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपुरशन इज फ्रॉम आपका वास्पोत सर्जन में जल की अधिकतम हानि किधर से होती है आपकी क्यूटिकल से आपकी स्टोमेटा से रंधक से आपका हाइड्रोथोनॉड तो से या फिर आपका एंटीकल से जल्दी से मुझे बता देंगे कहां से ये होता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक बिल्कुल इन जीत सैनी इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है ग्लूकागन तो अपने आप में ही एक हार्मोन है ठीक है नहीं लेंटिकल विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर भैया इसमें से जल्दी देखो जल्दी देखो क्या कर रहे हो हाइड्रोथोड से हाइड्रोथ से नहीं हाउ यू कैन से सी यू कैन सी दूसरे स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा से होता है स्ट्रोमेटा कहाँ होते हैं आपके अरे

स्ट्रोमेटा विल बी योर करेक्ट आंसर आपका हाइट नोट से कहां से हो जाएगा से भी तो स्ट्रोमेटा ही होंगे ना कहा रहता है ध्यान प्रश्न पढ़ा करो ढंग से हाँ चांटा लगाऊंगी मैं ओके कोई बात नहीं रोशन मैंने तुम्हारी सॉरी ली क्योंकि सबसे यूनिक थी हाँ जी अगले प्रश्न पे चले चले अगले प्रश्न पे अगले प्रश्न से पहले आपके लिए है एक अच्छी सी खुशखबरी कि आपको आज हर चीज 999 में मिल रही है जैसे कि आपका महापैक जिसकी वजह से आप जिसके थ्रू आप किसी भी कोर्स में एंट्री ले सकते हैं आपको बस एक महापैक खरीदना है उससे आप लैब असिस्टेंट पुलिस कांस्टेबल वीडियो मेंस, किसी भी पेपर को आप पढ़ सकते हो आपको कोई अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई अलग से ई बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी मॉक टेस्ट नहीं खरीदना पड़ेगा महापैक में सब कुछ आपको मिलता है और उस महापैक को आप कितना कितने में खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ नौ रुपए में और ये और सिर्फ आज के लिए है और कोड क्या लगाओगे आप सभी वाई फोर फोर थ्री आर और ये कोड आपको हर स्लाइड के ऊपर इधर मेंशन मिलेगा तो ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं तो अपने प्रश्न पे आ जाते हैं वापिस से ठीक है अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्वड इन प्लांट निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधों में शामिल होती है पहला है ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन दूसरा है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण बोथ ए ए बी दोनों ए और बी और नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं जल्दी बताओ जल्दी बताओ जी क्या कहा खो जाते हो सी ओके वेरी गुड वेरी गुड जीत वेरी गुड टी शर्मा टी शर्मा आई वुड लाइक टू नो योर नेम व्हाट्स योर फुल नेम टी शर्मा टी फॉर व्हाट तरुण इज इट तरुण ओके वेरी गुड दिनेश इंडियन चैनल बाय ए बी टू इट्स नॉट बी इट्स सी आपका ट्रांसपेरेशन होता है पानी का नुकसान होता है फोटोसिंथेसिस यानी खाना होता है, तो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों की ये प्रक्रिया आपकी होती है दोनों की दोनों ये प्रक्रिया आपकी होती है तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पौस्ने, अफेक्ट मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग पहला है आपका डाइजेस्टिव एक्टिविटी लीवर फंक्शनिंग किडनी फंक्शनिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड तब आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपको जहर बन जाता है शरीर में वो क्या अफेक्ट करती है क्या प्रभावित करती है पहला है पाचन गतिविधि दूसरा लीवर काम का फिर आपका गुर्दा काम का फिर आप कि रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को अफेक्ट करती है जल्दी से बताओगे मुझे क्या हो जाएगा जल्दी से बताओगे मैंने इतनी बार बताया कि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और साथ ही साथ ही आप वीडियो को लाइक करना ना भूले वीडियो को लाइक करना ना भूले बीच बीच में लाइक भी किया करो या आ, ऐसे मत करा करो भी साथ साथ में करो लाइक भी ओचो में बैच के क्ला ओ एम ओ एम जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच डी वेरी गुड डी विल बी योर करेक्ट आंसर देखो मैंने ये बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपको पता है आपके ब्लड के अंदर होती है आरबीसी आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है आपकी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस तरह से पूरे शरीर में जाती है अब मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की सीओ की बात करूं तो सीओ की क्षमता बहुत ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की इसी वजह से ऑक्सीजन की कम होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा होती है इसीलिए ये तो किक आउट हो किए है ये आपकी अटैच हो जाती है इसलिए आपकी ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती है तो आपका डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है हाँ इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विच एंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल यानी आपका कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल सकता है पहला है जाइमेज इनवर्टेज माल्टेज डाइजेस्टेज जल्दी से मुझे बता दो जल्दी बताओ आरबीसी फोर्टी फाइव प्लाज्मा फिफ्टी फाइव हाँ और मैंने ये ब्लड का पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर आपके एलडीसी बैच के लिए कराया है आज ठीक है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में और आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है तो आप लोग भी देख सकते हैं जितने ज्यादा हो सकते हैं आपके मैंने वहां से प्रश्न कराए हैं जल्दी से मुझे आंसर बताओ भैया ए ए कर दो कोई जीतू ने भी सी कह दिया है माल्टे माल्टे जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से हंड्रेड परसेंट गारंटी कौन ले रहा है कि यही, कि यही होगा हंड्रेड परसेंट गारंटी जो ले रहा है मुझे वो बताओ फिर मैं कहूंगी आपका सही है या नहीं

फोटोसेंसिटाइजेशन फोटोसिंथेसिस, जल्दी से मुझे बता देंगे क्या आपका आंसर हो जाएगा ए, नो भाई नो मत करो देखो मेरे गिल सही उत्तर दो ये कहीं कहीं उत्तर नहीं दो कुछ भी दे रहे हो डी वेरी गुड वेरी गुड जे एम एस जहांगीर वेरी गुड वेरी गुड इंडियन चैनल जीतू वेरी गुड नाहर सिंह नाइस ओके फोटोसिंथेसिस इज़ योर करेक्ट आंसर फोटोसिंथेसिस इज़ योर करेक्ट आंसर वेरी गुड अगला प्रश्न है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज आपके आयरन की कमी के कारण क्या होता है पहला आपका है कि भाई फाइलेरिया फिर आपका मलेरिया फिर आपका एनीमिया फिर आपका फ्लोरोसिस जल्दी से मुझे बता देंगे आपका क्या हो जाएगा हां जी ना सिंह सैनी जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप ना मॉडल पेपर चाहिए आपको अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो आप उधर से जाके चेकआउट कर सकते हैं ठीक है ओके एनीमिया विल बी योर करेक्ट आंसर ओके कार्तिक कोई बात नहीं विल बी योर करेक्ट आंसर एनिमिया विल बी योर करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेडिसिन फॉर एड्स इज अरे ये क्या हो गया गलती से हो गया ये दूसरी स्लाइड चल गई okay. तो वही प्रश्न तो कोई नहीं मतलब तो इसने कहा है कि आपके एड्स के लिए जो ज्यादातर दवाई इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है आपकी जेडोविडी माइक्रोनेजोल नैना सिक्सल आपका विनेजोल जल्दी से मुझे बता दे कौन सा होता है जल्दी से मुझे बता दे आपका कौन सा यहाँ पे आंसर होगा नेक्स्ट ओके okay. ये बता दो दिया एड्स के लिए कौन सी आपकी दवाई होती है आप वैसे ही नाम बता दो वन लाइनर समझ के वन लाइनर समझ के वैसे ही बता दो <coughs> तो भाई आपका कौन सा इस आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी बताओ ब्यूटीफुल क्लास ओके थैंक यू सो मच आपका विनेजोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलो छोड़ो इसको छोड़ो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एच टी एल थर्ड वायरस यानी आपको सुना है ना आपने एच आई वी तो सुना एच आई वी है नहीं है एच आई वी एड्स वायरस किसने ढूंढा था आपका रॉबर्ट गैलो एडवर्ड जेनर, लक आइजन रॉबर्टसन। अरे माही ढाका आ गया ये आ गई नहीं है थैंक यू थैंक यू सो मच इट लॉट हम्म, कहा खोए हुए हूं हु? किसकी यादों में खोए हुए हो एडवर्ड जैनर एडवर्ड जैनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की आपको क्या दी थी स्मॉल पॉक्स की क्या दी थी एडवर्ड जैनर ने सबसे पहले आपकी वैक्सीन दी थी ठीक है हाँ साथ में इसके साथ साथ में इसने क्या दी थी आपकी सबसे पहली वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए दी गई थी वो भी एडवर्ड जेनर के द्वारा दी गई थी तो अगला प्रश्न है कि जॉन्डिस अफेक्ट द पीलिया प्रभावित करता है किसको पैनक्रियास को, को लीवर को इंटेस्टाइन को अग्नाशय को पेट को आपके लीवर को यकृत को या फिर आत को अच्छा मेरी यादों में खोए होते तो मेरे आने से पहले मुझे इतने सारे मैसेज मिल जाते माही ढाका आपके मिल जाते औरतों के मिलते हैं मुझे औरों के तो मिलते हैं हाँ, सी वेरी गुड वेरी गुड आपको ये पता है कि आपके दो तरह के आपके वहां पिगमेंट होते हैं लीवर में दो तरह के पिगमेंट होते हैं लीवर में एक आपका बाइल रूबीड, वर्डिन होता है

जल्दी से मुझे बता दो आपका आंसर क्या हो जाएगा ओके okay, कोई बात नहीं माही कोई बात नहीं सी क्लास टाइम क्लास टाइम आपका पांच बजे ही रहेगा ना हर अभी अभी बच्चों ने बोल बोल के मैडम शाम का कराओ शाम का कराओ शाम का कराओ शाम का करा दिया अभी शाम का करा दिया कह रहे कि मैडम वापस से तीन बजे जाओ नहीं नहीं अब पांच बजे ही रहेंगे हम ये डेली पांच होगा अभी यहाँ पे पांच होगा ए लेप्रोसी ए लेप्रोसी ओके ए विल बी योर करेक्ट आंसर गाइस ए विल बी योर करेक्ट आंसर लेप्रोसी आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है इसी के साथ अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी डेसिबल ऑफ प्रोड्यूस्ड व्हेन टू पीपल टॉक टू अदर यानी जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितनी ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है अबाउट पांच डेसिबल दस डेसिबल तीस डेसिबल सो डेसिबल जल्दी बताओ अरे कार्तिक क्या कहें हम आपको लाडला जाट कह रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं होता ये करो गलती सही जवाब तो दो रोज पांच बजे होएगी पहले तीन बजे हो रही थी पर आजकल पांच बजे ही होगी अब से पांच बजे ही होगी दस बेटा तीस डेसिबल होता है तीस डेसिबल होता है बीस तक तो देखो आपकी क्षमता सुनने की तक हो हो सकती है के बाद आपका नॉइज शुरू हो जाएगा परंतु जब तो तो आप बात करते हो नॉर्मली तो आपका तीस डेसिबल होता है कितना होता है तीस डेसिबल होता है ठीक है सी विल बी योर करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है कि वी यूज इंडिगो वाइल्ड वॉशिंग क्लॉथ इट्स क्योंकि बिकॉज इट्स बेटर स्कोरिंग एक्शन यानी कि मार्जिन क्रिया के कारण या फिर बिकॉज ऑफ द करेक्ट लेटर कॉम्बिनेशन वर्ण संयोजन के कारण या फिर बिकॉज ऑफ वेरी ब्राइट नेचर उज्जवल स्वरूप के लिए या फिर बिकॉज ऑफ वेरी लो प्राइस बहुत कम दाम के लिए तो so, जल्दी बताओ मुझे किस वजह से हम वॉशिंग क्लोथ्स में इंडिगो कलर डालते हैं यानी नील किस क्यों देते हैं कपड़े धोते समय हम नील क्यों देते हैं जल्दी बताओ बी लेटर कॉम्बिनेशन कौन से तुम पत्थर लिखोगे भाई कौन से प्रेम पत्थर लिखोगे बी ऑप्शन वालो कपड़े के ऊपर कौन से प्रेम पत्थर लिखोगे जो आपने बी ऑप्शन के करेक्ट कहा है बेटा गलत है ये तो गलत है ये तो हाँ जी भारती जी बिल्कुल लो इंडियन चैनल लो हट गए हट गए हट गए भाई हट गए लो जल्दी बताओ मुझे अभी आगे से तो मैं हट गई आंसर भी मुझे जल्दी से बताओ सी 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 पे आ रहा है सबका कि उच्चतम स्वरूप के कारण हमारे आ रहे अब मैं आ जाऊं या फिर वहीं रहूं बुला भी लो भैया जल्दी से हम तो मार फाड़ी ऑप्शन भाई किसी ने कहा भी ऑप्शन तो मैं अब कंफ्यूज हो जाएगी ओके ओके okay, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर सी विल बी योर करेक्ट आंसर उज्जवल स्वरूप के लिए आपका ये कहा जाता है और आपको भूलना नहीं है कि 999 रुपए .99 में सब कुछ मिल रहा है और महापैक से आप किसी भी क्लास का एक्सेस ले सकते हो सबसे खास बात टेस्ट सीरीज आपको मिल सकती है मॉक टेस्ट आपको मिलता है हर चीज आपको मिलती है ई बुक्स ई नोट्स हर चीज आपको मिलेगी डाउट सेशंस आपको मिलेंगे साथ में आपको इस्तेमाल करना है इस चीज के लिए कोड जो है वाई फोर फोर थ्री आर फोर फोर थ्री आर मैं सोनिया चहल आपको क्या कराऊंगी जनरल साइंस आपकी ठीक है तो भाई इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे आपसे ठीक है कल फिर मिलेंगे सुबह आपकी क्लास होती है जो लैब असिस्टेंट वाली और इसमें भी ठीक है और अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने हैं तो छह पंद्रह पे मुझे फिर से मिलना छह पंद्रह पे मुझे फिर से मिलना अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानने में इंटरेस्टिंग है तो आप छह पंद्रह पे मुझसे मिलेंगे छह पंद्रह पे ठीक है ओके तो अभी के लिए टाटा बाय बाय गाइज और लाइक करना ना भूले सेशन को अगर आपको कुछ ऐसा पढ़ना है कि कुछ थॉर्टिकल पोर्शन करना है कुछ स्पेशल पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे आप सजेशंस दे सकते हो कि हमको ये पढ़ना है ये कराओ तो मैं वही करा दूंगी आपको ठीक है और मैं सोच रही हूँ आपके हमसे क्यूज ले क्योंकि क्वालिटी हमें बनानी है तो चैप्टर वाइज अगर मैं ले आऊँ तो आप सभी ओके okay हो जल्दी से मुझे बताओगे आप सभी ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे Love you too, बेटा love you too. I don't know, you are बेटा और बेटी बट लव यू टू इंस्टा आईडी में तभी बताऊंगी तब तभ आप सभी मेरे बैच में आओगे अदरवाइज <laughs> यूट्यूब पे तो नहीं बताऊंगी ठीक है ओके गुड बाय एवरीवन गुड बाय एवरीवन स्टे हैप्पी स्टे सेफ और छह पंद्रह पे फिर मिलते हैं अभी ओके गुड बाय सी यू एट सिक्स फिफ्टीन सो स्वीट ऑफ यू इंडियन चैनल